उत्तराखंड के खटीमा लोहा घाट बिजवल नववर्ष पर लोहा घाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहा घाट नगर का भ्रमण किया तथा लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लोगों की समस्याओं को सुन विधायक अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक अधिकारी ने कहा, लोहा घाट नगर की प्रमुख समस्या पेयजल की है। समस्या के समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध करेंगे। विधायक अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा, नववर्ष में उन्हें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री धामी लोहा घाट नगरवासियों को सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का शानदार तोहफा देंगे। कांग्रेसी विधायक अधिकारी ने मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के साथ साथ चंपावत जिला विकास के नए आयाम छू रहा है। अपने विधानसभा लोहाघाट के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही पूरे प्रदेश पूरे देश के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस वर्ष की बधाई देना चाहता हूं और यह वर्ष सभी के लिए सुफलदायक हो। सभी दिनों दिन आगे बढ़ें, तरक्की करें और विकास की पथ पर सब आगे बढ़कर इस प्रदेश को, इस विधानसभा को आगे पहुँचाने का काम करें। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं, अब ऐसा है विकास कार्य, ये थोड़ा सा सौभाग्य हमारा है कि भाई जिला मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री जिले में हैं तो उनसे कुछ विकास की किरण मिल रही हैं, वरना तो ऐसे ही था मामला। इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विकास, तो अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र है वो भी, और हम चाहेंगे कि उनके सहयोग से ही बिना भेदभाव के जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य से विधानसभा में होते रहेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि यहाँ के विकास में सबसे प्रथम हमारी मुख्य विकास की धारा से जो जुड़ने की एक हमारी वो थी कि हम इसको पानी की प्यास जो लोहाघाट के नगरवासी को थी उसको मिटाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया था, और हम तो पुनः उनको याद दिलाएंगे 2024 भी आ गया कि उनको धन्यवाद भी देंगे, उनने प्रस्ताव पास भी किया था, किन कारणों से अभी तक नहीं हुआ। तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि यहाँ के लोहाघाट के नगर के लोगों को पानी दे सके। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।